पोजीशन वेक्टर क्या होता है? कुछ आइडिया? नो आइडिया? ठीक है, देखो, किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन डिस्क्राइब करने के लिए प्लेन में हम क्या यूज़ करते हैं? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज़ करते हैं, जिसमें एक ओरिजिन है, ठीक है, एक एक्स एक्सिस है और एक वाई एक्सिस है। जेड एक्सिस भी होता है, स्पेस में पोजीशन आइडेंटिफाई करनी हो तो जेड एक्सिस भी लेके आएंगे हम। बट अभी हमारे पास दो ही एक्सिस हैं, एक प्लेन में हम पोजीशन डिस्क्राइब करना चाहते हैं। ओरिजिन से कितनी दूर पे ऑब्जेक्ट है एक्स डायरेक्शन में, कितनी दूर है वाई डायरेक्शन में, उसकी हेल्प से हम क्या डिस्क्राइब कर देते हैं, उसकी पोजीशन डिस्क्राइब कर देते हैं। ठीक है, पोजीशन डिस्क्राइब करने के लिए जो मेन चीज आपको चाहिए वो होता है रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट क्या होता है? वो एक जगह जो सब जानते हो, जैसे कि एक लैंडमार्क होता है ना, जैसे आपको अपना घर बताना है, सपोज़ आपका घर है किसी मंदिर के पास है, किसी स्कूल के पास है, तो आप उस स्कूल या मंदिर को एज ए लैंडमार्क यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि मंदिर है, स्कूल है, सार्वजनिक जगहें हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी हैं, तो उनको सब जानते होते हैं, लगभग इलाके में जो लोग रह रहे होते हैं वो सब जानते होते हैं। ठीक है, तो एक पोजीशन डिस्क्राइब करने के लिए आपको चाहिए होगा रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, तो कार्टेशियन सिस्टम अपना जो है उसमें ओरिजिन जो है वो अपना क्या होता है? रेफरेंस पॉइंट। तो हर ऑब्जेक्ट की पोजीशन जो भी अब इस कार्टेशियन सिस्टम में है उसकी पोजीशन हम डिस्क्राइब करते हैं कहां से? ओरिजिन से, ओरिजिन एज रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, तो अगर मुझे वेक्टर डिफाइन करना है उस पॉइंट का, मान लो सपोज यहां पे कोई पॉइंट है, पॉइंट ए, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स एंड वाई, और इसकी पोजीशन मुझे वेक्टर की हेल्प से डिफाइन करनी है, तो मैं यूज करूंगा पोजीशन वेक्टर का। किसका यूज करूंगा? पोजीशन वेक्टर का। एंड पोजीशन वेक्टर विल ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, तो जो ओरिजिन से वेक्टर होगा दैट विल बी पोजीशन वेक्टर। तो इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर जो होगा वो हो गया ओ ए, और वेक्टर के लिए हम इस पे लगा देंगे एरो। वेक्टर को आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, वेक्टर को आप कोई स्मॉल केस लेटर यूज कर सकते हो, उस पे एरो लगा दो। ठीक है, ये एरो ये शो कर रहा है कि ये वेक्टर है, इसमें डायरेक्शन भी है। ठीक है, सो पोजीशन वेक्टर जो है इसका कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लेना, क्योंकि ये बहुत यूजफुल रहेगा हमारे लिए। तो पोजीशन वेक्टर वो वेक्टर है जो पोजीशन डिस्क्राइब करता है, दूसरा उसका एक पॉइंट जो है वो हमेशा कहाँ लाए करेगा? ओरिजिन पे लाए करेगा, यानी ओरिजिन से निकलने वाला वेक्टर पोजीशन वेक्टर। ठीक है, अब इस पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी हमें फाइंड आउट करना होगा, भाई इसकी लेंथ कितनी है। तो वो लेंथ कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? देखिए, कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपको ये जो एक्स वाई कोऑर्डिनेट दे रखा है इसका क्या मतलब है? हाँ, पॉइंट है ए और उसके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स और वाई, इसका मतलब क्या है? एक्स और वाई का इसका मतलब है कि ये एक्स डायरेक्शन में कितने डिस्टेंस गया है? एक्स डिस्टेंस। ठीक है, और वाई डायरेक्शन में, क्योंकि ये कन्वेंशन है अपना, पहले हम एक्स कोऑर्डिनेट लिखते हैं फिर वाई कोऑर्डिनेट लिखते हैं, तो वाई डायरेक्शन में ये कितने डिस्टेंस तक गया है? वाई, इसका मतलब ये। ठीक है, यानी ये x सेंटीमीटर लेंथ है और ये y सेंटीमीटर लेंथ है। ठीक है, तो क्या मैं इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर सकता हूं? पोजीशन वेक्टर OA का कैसे? राइट एंगल ट्राइंगल, पाइथागोरस थ्योरम लगा लेंगे। ये राइट एंगल ट्राइंगल होगा, ये परपेंडिकुलर है ना। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम लगाइए आप। ये पॉइंट मान लीजिए B है, तो ओ ए स्क्वायर इक्वस टू ओ बी स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर। सो ओ ए स्क्वायर विल बी इक्वस टू, ओ बी की वैल्यू कितनी है? x, x का स्क्वायर, ए बी या बी ए की वैल्यू कितनी है? y, तो y का स्क्वायर, और ओ ए इज इक्वस टू अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इन केस आपको पोजीशन डिस्क्राइब करनी है स्पेस में, तो z कोऑर्डिनेट और आ जाएगा और मैग्नीट्यूड भी क्या हो जाएगा? ओ ए वैक्टर का मैग्नीट्यूड ऑफ ओ ए वैक्टर विल बी इक्वल्स टू अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, पोजिशन वैक्टर का। ठीक है, ये मैग्नीट्यूड किसका आया? पोजिशन वैक्टर का, क्योंकि पोजिशन वैक्टर जो है हमेशा कहाँ से स्टार्ट होगा? ओरिजन से।
तो उसका हम मैग्नीट्यूड हमेशा इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं ओनली बाय लुकिंग एट द कोऑर्डिनेट पॉइंट्स। ठीक है, ठीक है जी। उसके बाद क्या है, डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है, डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे, पोजीशन वेक्टर है, ओरिजिन से निकल रहा है तो एक्स डायरेक्शन से कोई एंगल बनाएगा, वाई डायरेक्शन से भी कोई एंगल बनाएगा, जेड डायरेक्शन से भी कोई एंगल बनाएगा। ठीक है, तो जर्नली क्या हम कन्वेंशन है ये, एक्स डायरेक्शन से जो एंगल बनता है वो अल्फा, वाई डायरेक्शन से जो एंगल बनता है वो बीटा, और जेड डायरेक्शन से जो एंगल बनता है वो गामा। इनके कोसाइंस यानी कि कोस अल्फा, कोस बीटा एंड कोस गामा, ये क्या कहलाएंगे, डायरेक्शन कोसाइंस। दीज आर डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है, पक्का है। ये देखो, ये जो है ये शुरुआत है वेक्टर्स की, और इसमें अगर आपने सारी चीज़ें पता कर ली, जान ली, जो भी टर्म्स यूज़ हो रही हैं, जो भी इसकी डेफिनेशंस हैं, तो फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी आगे। तो जहाँ भी अटको वहाँ मुझसे पूछ लेना कि ये क्या चीज़ है। ठीक है, सो हमने वेक्टर डिफाइन किया, फिर पोजीशन वेक्टर डिफाइन किया, पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं वो डिफाइन किया, फिर हमने डायरेक्शन एंगल्स डिफाइन किए, ये डायरेक्शन एंगल्स हैं, और उसके फिर कोसाइंस अगर हम ले लेंगे तो वो डायरेक्शन कोसाइंस हो जाएंगे। ठीक है, ओके, डायरेक्शन एंगल्स हो गए, डायरेक्शन कोसाइंस हो गए। इन डायरेक्शन कोसाइंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं एल, एम और एन से। ठीक है, एल, एम एंड एन, ओके। चलो, उसके बाद है डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए वेक्टर। डायरेक्शन रेशियोज भी होंगे, उन डायरेक्शन रेशियोज किनको बोलेंगे वो बताता हूँ आपको, इसी में बता दूँ बिना मिटाए। ठीक है, तो कोसाइन जो हमने फाइंड आउट किया, कोस अल्फा इस ट्राइंगल में देख के बताओ क्या होगा, ओबी बाय ओ ए। ठीक है, और इसका मैग्नीट्यूड जो कि हम निकाल चुके हैं वो अगर हम आर मान लें, इसका मैग्नीट्यूड जो है वो आर मान लें, तो ये क्या हो जाएगा, ओ बी अपना एक्स है और ओ ए अपना हो गया आर, तो एक्स इक्वस टू आर कोस अल्फा। ठीक है, एक्स इक्वस टू आर कोस अल्फा, और कोस अल्फा को हम एल भी लिख सकते हैं, तो एल आर, दिस वैल्यू इज कॉल्ड एज डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन रेशियो यानी कि एक्स भी डायरेक्शन रेशियो है, ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी को हम डायरेक्शन रेशियो कह रहे हैं, एक्स डायरेक्शन रेशियो है और वो किसके बराबर है, एल इंटू आर। ठीक है, ओके, एल इंटू आर, इसको थोड़ा सा और करते हैं, हम थोड़ा सा ओपन करते हैं, एल की वैल्यू क्या है, एल है कोस अल्फा और आर क्या है मैग्नीट्यूड यानी अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, इसको यूं भी लिख सकते हैं। अच्छा, ये किसकी वैल्यू आई अपने पास, आर की वैल्यू आ गई, कोस अल्फा अपने पास ये आ गया। ठीक है, कुछ और मतलब, ये देखो आपस में वहीं घूम रहे हैं, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना किसी में। ठीक है, ये डायरेक्शन रेशियो हो गया, और एल और आर से हम इसको रिप्रेजेंट कर देंगे।